अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया है और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने मसाला लगा के ना इस गोश्त को रख दिया था मैरिनेट करके, तो उसके बाद मैंने उसको 3-4 घंटे पड़ा रहा, फिर मैंने इसे ऑयल में फ्राई किया अच्छी तरह और उसके बाद पानी से गला लिया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके, थोड़े से टमाटर ब्राउन करके तो वो डाले, तो प्याज और टमाटरों की अच्छी तरह पेस्ट बन गई, तो उसमें मैंने गोश्त डाल के भून लिया। तो आप देखें ये कितना लजीज लग रहा है। फिर ऊपर से गार्निश कर दिया मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी रेसिपी, पसंद आए तो ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।